पंजाब में हुक्मरान जमात के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। तरीन ग्रुप ने परवेज इलाही की बतौर वजीर आला हिमायत से इनकार कर दिया है। मुज़ाकरात के लिए आने वाले सूबाई वुज़रा को मायूस लौटना पड़ा। सूबाई वुज़रा सप्तैन खान, मियां महमूद रशीद, सैयद समसाम बुखारी और डॉक्टर मुराद राज तरीन ग्रुप की हिमायत के लिए लंगड़ियाल हाउस गए। हुकूमती वफद ने तरीन ग्रुप के अजमल चीमा, मलिक नौमान लंगड़ियाल, अब्दुल हई दस्ती और फैसल हयात जबुआना से मुलाकात की। सूबाई वुज़रा ने वजारत आला के लिए परवेज इलाही की हिमायत की दरख्वास्त की। ताहम तरीन ग्रुप की जानिब से वाज़ेह किया गया कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर होने तक कोई बात नहीं होगी। वजीर आला के लिए हिमायत का हतमी फैसला जहांगीर तरीन करेंगे। मुज़ाकरात के नतीजा खत्म होने पर हुकूमती वफद लौट गया। मियां महमूद रशीद ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि एक दो रोज में बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद है। डॉक्टर मुराद रास ने भी इस उम्मीद का इजहार किया कि सब कुछ नॉर्मल और जल्द ठीक हो जाएगा। अभी आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब का इस्तीफा और चौधरी परवेज इलाही की नामजदगी, पीटीआई के हम ख्याल चीना ग्रुप का इजलास हुआ। चौधरी परवेज इलाही के वजीर आला पंजाब के नामजद होने पर तहफ्फुज़ात का इजहार, कल दोबारा इजलास जारी रखने और मजीद मुशावरत करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब पंजाब में वजारत आला के लिए नून लीग और काफ लीग का चीना ग्रुप से रब्ता। काफ लीग ने पंजाब काबीना में नुमाइंदगी की ऑफर कर दी। नून लीग के आइंदा इलेक्शन में टिकट देने के वादे किए गए। पंजाब में नए कायदे ऐवान का मामला, मुस्लिम लीग काफ ने जोड़ तोड़ का सिलसिला तेज कर दिया। चौधरी परवेज इलाही ने अरकान असेंबली से रब्तों के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब के सीनियर वज़रा का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मोहम्मद बशारत राजा, हाफिज अम्मार यासिर, मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद, चौधरी जहीरुद्दीन, राजा राशिद हफीज, सप्तैन खान मुरादरास और रुकन पंजाब असेंबली वसीम खान बादुज़ई ने शिरकत की। इजलास में पंजाब में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ और अरकान असेंबली से राब्तों के बारे तफसीली मशावरत की गई। चौधरी परवेज इलाही ने अरकान असेंबली से राब्तों के लिए सूबाई वज़रा को टास्क सौंप दिए। लीग अरकान पंजाब असम्बली की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई। नून लीग के अरकान पंजाब असम्बली का चौधरी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही से नून लीग के एमपीए मौलाना गयासुद्दीन, एमपीए फैसल नियाजी की मुलाकात हुई। एमपी अशरफ अंसारी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा यूनस अंसारी की भी चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई। हमारे साथ नून लीग के 16 एमपीए भी चौधरी परवेज इलाही के साथ चलेंगे, लीगी अराकीन की जानिब से बाकायदा ऐलान किया गया। जबकि यूनस अंसारी ने कहा कि हमारा पूरा ग्रुप चौधरी परवेज इलाही की मुकम्मल हिमायत करेगा। हमारे ग्रुप के तमाम अराकीन असम्बली चौधरी परवेज इलाही को कंधे से कंधा मिलाकर कामयाब करेंगे। मौलाना गयासुद्दीन की जानिब से मजीद ये भी कहा गया। तो आपको बताएं कि लीग अराकीन पंजाब असम्बली की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई। नून लीग के अराकीन पंजाब असम्बली का चौधरी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही से नून लीग के एमपीए मौलाना गयासुद्दीन, एमपीए फैसल नियाजी की भी मुलाकात हुई है। एमपी अशरफ अंसारी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा यूनस अंसारी की भी चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गवर्नर हाउस को मौसूल हो चुका है। ज़राए के मुताबिक इस्तीफा कल मंजूर किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान के वसीम अकरम प्लस का काउंट डाउन शुरू हो गया। ज़राए के मुताबिक सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया है। जुमेरात को इस्तीफा मंजूर किए जाने का इम्कान है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से इस्तीफे की मंजूरी के बाद असम्बली सेक्रेटरेट को आगाह किया जाएगा, जिसके बाद असम्बली सेक्रेटरेट नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए इकदाम करेगा। पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने और कायदे ऐवान के इंतखाब का शेड्यूल तैयार किया जाएगा। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कौम जान चुकी है रहबर कौन है और राजन कौन है। ओहदा आनी जानी चीज़ है, जब तक सांस है इमरान खान का साथ निभाऊंगा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कप्तान की अवामी खिदमत के एजेंडे की तकमील के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाया। सियासी इंतशार पैदा करने वालों को कौम कभी मुआफ़ नहीं करेगी। सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबाई वुज़रा और अराकीन असेंबली से मुलाकातें की। मुलाकात करने वालों में मुस्लिम लीग नून के एमपी अशरफ अंसारी, सूबाई वजीर सरदार आसिफ नकई, ख्याल अहमद कासरू, आशिफा रियाज, हामिद यार हिराज, समीउल्ला चौधरी, अख्तर हयात, सलीम सरवर, लियाकत अली और दीगर शामिल थे। कई इलाकों में दुकानों से आटा गायब हो गया, शहरी आटे के हुसूल के लिए ख्वार हो गए। रमजानुल मुबारक की आमद आमद है और शहर के कई इलाकों में आटे का बोहरान सर उठा रहा है। गुलबर्ग और उससे मुल्हका इलाके, गुरु मांगट रोड, सेवन अप रोड, मक्का कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, मुगलपुरा, धर्मपुरा, रेलवे कैरेज शॉप, बाजार, रामगढ़, बंद रोड और शाहदरा में आटे की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गयी है। आगे रोजे आ रहे हैं, ठीक है, आटा मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल हालात बहुत खराब है। तो गवर्नमेंट से गुजारिश है
के आटा जो है ना मुल्क को फराहम करे। दुकानदारों का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते से आटे की सप्लाई मुतासिर हुई है, शहरी आटा लेने के लिए आ रहे हैं लेकिन उनके पास स्टॉक नहीं है। आटा बस दे घट वे कभी मिला आ 15 दिन हफ्ते बाद देने 15 थाले 20 थाले 30 थाले अस उत्ते दिंदे नहीं। बारो लैके आईदा मंडियो ले आईदा या फिर किसी होलसेल वाले को लैके आईदा। आटा तो गरीब आदमी कहते एक किलो दे लो भाई, होगा तो आपको देंगे ना। एक किलो के लिए ग्राहक तरस रहा है और हमें शर्मिंदगी होती है कि इसके पास है 50-60 रुपए, ये कहाँ जाए। दुकानदारों के मुताबिक 32 रमजान बाजार पूरे लाहौर की जरूरत पूरी नहीं कर सकते। हुकूमत ओपन मार्केट में आटे की सप्लाई यकीनी बनाए। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब में सियासी हलचल, माह रमजान में रमजान बाजार फ़ाल नहीं हो सके। शादमान रमजान बाजार के काउंटर 3 रोज बाद भी खाली हैं। सस्ती सब्जियां पहुंची ना ही फल, आटा चीनी घी के काउंटर भी खाली पड़े हैं। सस्ते बाजारों में फ्लेक्सिस पर वजीर आला की तस्वीर की छपाई भी रोक दी गई है। पंजाब में सियासी हलचल है और इसी वजह से रमजान बाजार फ़ाल नहीं हो सके। शादमान रमजान बाजार के काउंटर 3 रोज बाद भी खाली हैं। सस्ती सब्जियाँ पहुँच सकें ना ही फल पहुँच सके। गैस के बिलों में भारी इजाफे की तैयारियां। सुई नदरन गैस ने ओगरा से 920 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन ओगरा मसूर खान कहते हैं कि तमाम अवामिल को सामने रखकर कीमत का तायुन करेंगे। SNGPL की जानिब से इजाफे की दरख्वास्त की अवामी समात हुई जिसमें अवाम की नुमाइंदगी की बजाय कंपनी के मुलाजमीन को बिठाया गया ताकि कीमतों में इजाफे पर एतराज की नौबत ही ना आए। समात के दौरान SNGPL ने 66% इजाफे की दरख्वास्त की। मैनेजिंग डायरेक्टर अली जय हमदानी ने कहा कि हमने सोच समझ कर गैस की कीमत में इजाफा मांगा है क्योंकि आलमी मंडी में गैस की कीमत बढ़ रही है और मकामी जखायर कम हो रहे हैं। कंपनी पर अदायगियों का बोझ बढ़ता जा रहा है। घरेलू सारिफ के पहले 2 स्लैब सब्सिडाइज हैं। ओगरा की जानिब से दरख्वास्त पर फैसला बाद में किया जाएगा। अवामी सवारी जेब पे मजीद भारी पड़ गई। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल के मॉडल 2 से 9 हज़ार रुपए तक महंगे कर दिए। 70cc मोटरसाइकिल कीमत 1 लाख रुपए तक पहुंच गई। अवामी सवारी अब जेब पे पड़ेगी मजीद भारी क्योंकि होंडा की जानिब से कीमतों में 2000 से लेकर 9000 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया। मोटरसाइकिल गरीब और मुतवस्त तबके की सवारी है लेकिन आए रोज इसकी बढ़ती कीमतों ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। होंडा कंपनी ने एक बार फिर कीमतों में इजाफा कर दिया। 70cc मोटरसाइकिल की कीमत 2000 इजाफे से 99,900 रुपए तक पहुंचा दी गई। 70cc ड्रीम मॉडल की कीमत 1,06,500 और 100cc प्राइडर 3000 इजाफे से 1,36,900 रुपए की हो गयी। जिसने जो बजट बनाया होता था 10-20 हज़ार डाल के नहीं ले लूंगा, वो भी बजट खत्म हो गया कस्टमर का। हम बिल्कुल फारिग बैठे हैं, काम है कोई नहीं। होंडा 125 मॉडल 3,600 रुपए बढ़कर 1,59,500 रुपए का हो गया। 125 सेल्फ स्टार्ट की कीमत 1,89,500 रुपए हो गई। 150cc मॉडल की कीमत 9,000 इजाफे से 2,95,900 रुपए पर पहुंचा दी गई। बहुत गलत बात है, बहुत रेट ज्यादा हो गया। ये गरीब बंदे के लिए खरीदना बहुत ही मुश्किल हो गया, सेकंड हैंड भी नहीं वो खरीद सकता। अभी मैंने कुछ बाइक को मैंने चेक किया है, रोड पे दिया है, वो मुझे बता रहा है 15 मॉडल 30,000 में वो बेच रहा है। वो अब मेरे पास इतनी पॉकेट मनी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता। शहरी कहते हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल में कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं और खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से जाते जाते दो मंसूबों के इफ्तिताह की कोशिशें। ऐवान वज़ीर आला में दाता गंज बख्श फ्लाई ओवर के इफ्तिताह और समनाबाद अंडरपास की ग्राउंड ब्रेकिंग की सॉफ्ट लॉन्चिंग की तैयारियां शुरू कर दी गईं। ज़राए के मुताबिक ऐवान वज़ीर आला में दाता गंज बख्श फ्लाई ओवर के इफ्तिताह और समनाबाद अंडरपास की ग्राउंड ब्रेकिंग की सॉफ्ट लॉन्चिंग की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ज़राए के LDA इंजीनियरिंग विंग को भी सॉफ्ट लॉन्चिंग से मुतालिक आगाह कर दिया गया। इससे कबल दाता गंज बख्श फ्लाई ओवर का इफ्तिताह मौके पर किया जाना था, उसके लिए पहले 26 मार्च और फिर 29 मार्च की तारीख शेड्यूल की गयी। वज़ीर आला के इस्तीफा पेश करने के बाद ऑन साइट इफ्तिताही प्लान को मनसूख कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक LDA हुकाम और ऐवान वज़ीर आला जाते जाते उस्मान बुज़दार के हाथों 2 तख्तियाँ मजीद लगवाना चाहते हैं। और अभी आपको बताएं लाहौर इंतजामिया की फुर्तियां। सिद्दीक ट्रेड सेंटर के सामने फ्लाईओवर को मारूफ शायर मुनीर नियाजी के नाम से मंसूब करने की समरी काबीना की स्टैंडिंग कमेटी ब्राय कानून से मंजूरी के लिए इरसाल करके मंजूरी से कबल ही मिसेज नियाजी फ्लाईओवर का बोर्ड लगा दिया गया। मुनीर नियाजी की अहलिया नाहिद नियाजी की जानिब से फ्लाईओवर का नाम मुनीर नियाजी से मंसूब करने की दरख्वास्त की गई थी। महकमा बल्दियात ने समरी तैयार करके काबीना कमेटी को इरसाल कर रखी थी। MCL ज़राए के मुताबिक मुनीर नियाजी फ्लाई ओवर के नाम का बोर्ड टीपा LDA ने उजलत में लगाया।
शहर में बिजली का ब्रेक डाउन होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लेस्को ने ग्रिड स्टेशन से गैर एलानिया लोड शेयरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही शहर में बिजली की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है। इसी तरह तलब और रसद में फर्क होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग के बावजूद सिस्टम को कंट्रोल करने में नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल ने बताया कि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर और लेस्को के पावर कंट्रोल सेंटर ने लोड शेडिंग शुरू की है। शहर में अनारकली टाउनशिप, सब्जाजार, कुमटी बाजार, जोहर टाउन, उर्दू बाजार समेत मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद होती रही। अभी आपको बताएं, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और टीचिंग अस्पतालों में प्रोफेसर्स की शदीद कमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तब्दीली सरकार ने कमी दूर करने के लिए रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर्स की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। जूनियर डॉक्टर्स प्रोफेसर बनने का ख्वाब आंखों में लिए बदस्तूर तरक्कियों के मंतजर हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और टीचिंग अस्पतालों में प्रोफेसर्स की कमी शदीद बहरान की शक्ल इख्तियार कर गई। तब्दीली सरकार ने कमी दूर करने के लिए रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर्स की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की मंजूरी दे दी। रायवन रोड पर वाक़ शाहीन पेपर मिल्स FBR के रेडार पर। FBR ने रायवन रोड पर वाक़ शाहीन पेपर्स पर 4,80,00,000 रुपये टैक्स आयद करके नोटिस जारी कर दिया। FBR जाय के मुताबिक रायवन रोड पर वाकया शाहीन पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड की असरेनो असेसमेंट करके भारी टैक्स आयद कर दिया गया है। जाय का कहना है कि कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने साल 2016 का ऑडिट करके शाहीन पेपर मिल्स पर 4,80,00,000 रुपए इनकम टैक्स आयद कर दिया है। FBR ने शाहीन पेपर मिल्स को नोटिस जारी कर दिया है। जाय के मुताबिक शाहीन पेपर प्राइवेट लिमिटेड को टैक्स अदायगी के लिए 1 माह की मोहलत दी गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी का इजलास 54 सीनियर सिविल जज को ग्रेड 20 में एडिशनल सेशन जजेस के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें लाहौर समेत सूबा भर से 54 सीनियर सिविल जजेस को ग्रेड 20 में एडिशनल सेशन जजेस के ओहदे पर तरक्की दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के ओहदों पर तरक्की पाने वालों में मोहम्मद यूसुफ हंजरा, शम्स हुसैन खान, जफर अहमद, नूर मोहम्मद, हसन अकमल कुरैशी, आबिद जुबैर, दिलदार शाह, साकिब फारूक, राशिद तुफैल रेहान, शाहिद नदीम भट्ट शामिल हैं। एडिशनल सेशन जज के ओहदों पर तरक्की पाने वालों में अख्तर अब्बास खान, मोहम्मद शुएब अकील, तारिक बशीर, शहबाज अहमद, शकील अहमद, सलमान तारिक, खलील अहमद, मजहर हुसैन रामे, फयाज हुसैन, माजिद वकार, शफकत सईद गोंदल, गुलाम रसूल चौहान, शफकत शहबाज राजा, मोहम्मद शहजाद अनवर, जफर इकबाल चौधरी, जफर मेहदी समेत दीगर जजेस शामिल हैं। अभी आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका के हाई कमिश्नर का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर मियां नुमान कबीर, नायब सदर हारिस अतीक समेत दीगर कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की और दो तरफा तजारत बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। सदर लाहौर चैम्बर मियां नुमान कबीर ने कहा कि जनूबी अफ्रीका के जोग्राफियाई हैसियत बेमिसाल है और जनूबी अफ्रीका मुआशी हवाले से अफ्रीका का दूसरा बड़ा मुल्क है। मियां नुमान कबीर ने कहा कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि बेहतरीन ताल्लुकात की अक्कासी बाहमी तजारत में भी नज़र आनी चाहिए। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम मॉडल टाउन गर्ल्स कैंपस की ग्रेजुएशन तकरीब, 70 तालिबात को मेडल्स और असनाद से नवाजा गया। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम मॉडल टाउन गर्ल्स कैंपस की ग्रेजुएशन तकरीब हुई। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल शाजिया असनाद के हमराह तलबा में मेडल्स और डिग्रियां तकसीम की। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल का कहना था कि इकबाल साहब फिक्र और कायद आजम साहब अमल थे। सिर्फ सोच काफी नहीं, अमल भी जरूरी है। तरबियत से तेरी में अंजुम का हम किस्मत हुआ, अंजुम होता है सितारों का हम किस्मत हुआ, घर मेरे अजदाद का सरमाया इज्जत हुआ। कौन जानता था अलामा इकबाल के वालिद को टोपियाँ सीते थे, बुरकों की टोपियाँ। और क्या अलामा इकबाल का नाम अब सारी दुनिया में मशहूर है? किस लिए मशहूर है? इसलिए नहीं कि बहुत अमीर थे, उनके पास तो घर भी कोई नहीं था। इसलिए कि उनकी जो सोच और फिक्र थी वो आज़ाद लोगों की दुनिया के लिए थी। प्रिंसिपल शाजिया असनाद ने कामयाब ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद दी। आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड टू सी द प्राउड फेसेस ऑफ आवर ग्रेजुएट्स। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।